टिहरी में बांध प्रभावितों ने टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग पर प्रभावितों के हितों का कुठाराघात करने का आरोप लगाया। बातचीत करते हुए आंशिक डूब संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा, पूर्व प्रधान प्रदीप भट्ट पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पर्वतों के पुनर्वास के लिए अगस्त 2021 में 274 की धनराशि जारी की गई है, लेकिन टीएचडीसी पुनर्वास विभाग को धनराशि जारी नहीं कर रही है, जिस कारण प्रभावित परिवारों को 74,40,000 की धनराशि नहीं मिल पा रही है। टीएचडीसी के पास बीपुरम में जो है 252 करोड़ रुपये अगस्त 2021 में आ चुका है। आज एक साल बीतने के बाद भी उन्होंने वो पैसा पुनर्वास डायरेक्टर को पुनर्वास विभाग में नहीं दिया है और मात्र 28 करोड़ रुपये एक ही गांव के 24 परिवारों को दे दिया है। उसके अलावा कई गांवों का विस्थापन अभी होना है, उन्होंने पैसा दबा के पैसे बैठे हुए हैं। हमारा आरोप है कि टीएचडीसी जो है ये पैसा जानबूझ के दबा के बैठी हुई है और इस पैसे से खेल रही है और ग्रामीणों की भावनाओं को ठेस पहुँचा।